Hello everyone, my name is Vanchika and today I will discuss with you about quantum numbers and types of quantum numbers. Before that, do subscribe, like and share our Young Minds channel. So let's start. Quantum numbers. A set of four quantum numbers which specify the energy, size, shape and orientation of an orbital and about all the electrons present in an atom is called quantum numbers. एक सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स चार क्वांटम नंबर्स का सेट जो हमें बताता है एनर्जी साइज शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल और जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है एक एटम में उसके बारे में हम उसको क्वांटम नंबर्स बोलते हैं। और ऑर्बिटल ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल एक रीजन है अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। क्वांटम नंबर्स हमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एटम भी बताता है सच एज आयनाइजेशन एनर्जी एंड द एटॉमिक रेडियस। आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है एक लूजली पैक्ड इलेक्ट्रॉन को एटम से बाहर निकालने के लिए। और एटॉमिक रेडियस डिस्टेंस होता है न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल तक का। तो हमारे पास चार क्वांटम नंबर्स होते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम एन से डिनोट करते हैं। ये क्वांटम नंबर हमें बताता है एनर्जी लेवल और शेल के बारे में जिसमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। एन यहाँ पे कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3 फर्स्ट शेल सेकेंड शेल और के एल एम शेल। इट टेल्स अस अबाउट द एवरेज डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूक्लियस। ये एवरेज डिस्टेंस बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है इन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स का मतलब जो अपना ड्यूप्लेट पूरा करते हो हाइड्रोजन की तरह। अगर हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लें एक शेल में जो प्रेजेंट होंगे उसको हम 2n² से निकालेंगे और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो एक शेल में होंगे उसको n² से। तो अगर हमारे पास n की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इसमें होंगे n² दैट इज 1 ऑर्बिटल एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज 2n² तो दैट इज 2 इलेक्ट्रॉन्स। अगर सेकेंड शेल में आए तो 4 ऑर्बिटल्स और 8 इलेक्ट्रॉन्स। सिमिलरली फॉर 3 एंड 4 9 ऑर्बिटल्स होंगे थर्ड वाली शेल में और 18 इलेक्ट्रॉन्स। 16 ऑर्बिटल्स इन फोर्थ शेल एंड 32 इलेक्ट्रॉन्स। नाउ सेकेंड ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। यह हमें बताता है नंबर ऑफ सबशेल्स के बारे में कितनी सबशेल्स हैं एक शेल के अंदर, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेप ऑफ वेरियस ऑर्बिटल्स, एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स इन मल्टी इलेक्ट्रॉन्स एटम अलॉन्ग विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये सब हमें बताता है। और अगर हमें ऑर्बिटल्स निकाल लें एक सबशेल के अंदर कितने प्रेजेंट होंगे तो वो हम 2l+1 से निकालेंगे। l यहाँ पे हमारा ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर है। एल की जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड करती है। तो वो है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एन एल कैन हैव एन वैल्यूज। अगर एन की वैल्यू हमारे पास 2 है तो एल की जो वैल्यूज आएंगी वो भी 2 आएंगी और वो रेंज करेंगी 0 to n-1। तो अगर हमारे पास एन की वैल्यू 2 है तो एल की वैल्यूज क्या क्या होंगी 0 और 2-1 is 1 तो 0, 1 दो वैल्यूज आ गई। एन की वैल्यू 2 थी तो एल की भी वैल्यूज 2 आई है। नंबर ऑफ वैल्यूज जो आई है वो 2 है। और अब जो सबशेल्स हैं उनको हम एस पी डी एफ से डिनोट करते हैं। ये एस पी डी एफ जी ये सब सबशेल्स हैं। वैल्यू ऑफ एल एस के लिए जो एल की वैल्यू है वो है 0, पी के लिए 1 है, डी के लिए 2, एफ के लिए 3 एंड जी के लिए 4। तो अब हम इसमें देखें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे निकालेंगे तो वो हम 2l+1 वाले फॉर्मूले से निकालेंगे। एस यहाँ पे 0 है, एल की वैल्यू 0 है तो हम एल यहाँ पे 0 रख देंगे तो 1 आ गया। तो मतलब एस वाली सबशेल में 1 ऑर्बिटल। P वाली में L की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे 1 रखेंगे, 2 into 1 plus 1 is 3 तो 3 ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हो गए P वाली में। सिमिलरली फॉर D, D में 5 ऑर्बिटल्स, F में 7 ऑर्बिटल्स एंड G में 9 ऑर्बिटल्स। नाउ थर्ड क्वांटम नंबर इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट टेल्स अस अबाउट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एंड देयर ओरिएंटेशन विद इन अ सबशेल। ये हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है कि कितने हैं और उनकी ओरिएंटेशन सबशेल के अंदर कैसी है। इसकी जो वैल्यू है वो है एल पे डिपेंड करती है ऑर्बिटल एंगुलर क्वांटम नंबर पे। तो वो है गिवन अ सर्टेन एल, अगर हमारे पास कोई एल की वैल्यू गिवन है तो एम एल, इसको हम एम एल से डिनोट करते हैं। एल यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में है तो उसकी जो वैल्यू रेंज करेगी एम एल की वो रेंज करेगी -l to +l। अगर हमारे पास एल 3 है तो एम एल की जो वैल्यूज होंगी वो होंगी -l to +l दैट इज -3 -2। तो जो L की वैल्यूज होंगी वो होंगी -3 -2 -1 0 1 2 3। इसकी वैल्यूज -+0 कुछ भी हो सकती है। नाउ फोर्थ इज एंगुलर
electron spin quantum number. It designates the direction of electron spin and may have a spin of plus half represented by upward arrow and minus half represented by downward arrow. ये हमें स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन की कैसी होगी. तो दो तरीके की स्पिन है, एक प्लस हाफ जिसको हम अपवर्ड एरो से डिनोट करेंगे, माइनस हाफ जिसको डाउनवर्ड एरो से डिनोट करेंगे. प्लस हाफ आइडेंटिफाइज क्लॉकवाइज स्पिन एंड माइनस हाफ आइडेंटिफाइज एंटी क्लॉकवाइज स्पिन. इसकी वैल्यू किसी पे भी डिपेंड नहीं करती. लेट अस सी अ क्वेश्चन. हाउ मेनी सब शेल आर पॉसिबल विद एन इक्वल टू फोर. मतलब फोर्थ वाली शेल में कितनी सब शेल्स प्रेजेंट हो. हमें पता है L की वैल्यू जो रेंज करती है वो करती है 0 टू n माइनस 1, और यहाँ पे n जो है वो 4 है, टू 0 टू 3, दैट इज L इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3. टोटल 4 सबशेल्स आर प्रेजेंट इन फोर्थ शेल. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन सबशेल हैविंग ms माइनस 1 अपॉन 2 फॉर n इक्वल टू 4. मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे एक सबशेल में जिसका ms इलेक्ट्रॉन स्पिन क्वांटम नंबर इज माइनस 1/2 और जो शेल है वो है 4. हमने फोर्थ वाली शेल में कितने सबशेल होंगे वो हमने कैलकुलेट कर लिए थे, वो थे 4, 0, 1, 2, 3. अब हमें पता है L की वैल्यू 0 होती है जब हमारा सबशेल s होता है. तो s वाली सबशेल में ऑर्बिटल्स कैलकुलेट करने के लिए 2l प्लस 1, तो 1 ऑर्बिटल होता है s वाली सबशेल में. L इज इक्वल्स टू 1 मतलब p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स, d सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स एंड f सबशेल में 7 ऑर्बिटल्स. सो इन टोटल दे आर 16 ऑर्बिटल्स. और हमें पता है एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वन विद अपवर्ड स्पिन एंड द अदर विद डाउनवर्ड स्पिन. सो इन दिस क्वेश्चन वी आर टॉकिंग अबाउट डाउनवर्ड स्पिन. सो देर विल बी 16 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जितने ऑर्बिटल्स होंगे उतने ही हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सो इन टोटल दे आर 16 इलेक्ट्रॉन्स. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.